आज बहुत खुशी की बात है कि आज ढेर सारे बच्चों को पेन पेंसिल कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की गई निदान वेलफेयर फाउंडेशन मानसर कोचिंग करमपुर सुधानगर में। और आज कुछ बच्चे बचे हुए हैं, बाद में आए हैं। मैडम प्लीज़ बच्चे को कॉपी दीजिए। तो मैडम कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम देखकर बच्चों को ये दान देते हुए? बहुत अच्छा लगा सर, और चाहूँगी कि मैं इससे जो दिन हूँ अच्छा लग रहा है मुझे, और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों का एजुकेशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, आज मैम ने एक बहुत बड़ी पहल करी है, हमारे डोनर आशीष जी की वाइफ हैं। सर आपको कैसा लगा सिस्टम आज का देखकर? मुझे तो मैंने बहुत पहले देखा था, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये सामने हो रहा है डोनेशन, और इसके अलावा जिसका मोटिवेशन हो रहा है, इससे बच्चों को ज्ञान मिलेगा। ये जो बच्चे हैं आगे बढ़ के हमारा भविष्य बनाएंगे, अपना भविष्य बनाएंगे। आने वाले समय पे वातावरण किस तरह से बदल रहा है, इसमें भी हम चाहेंगे थोड़ी पारक रहे लोग, इसके लिए और आगे प्रयास किए जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आपका मोटिवेशन था बच्चों के लिए, समाज के लिए। हरिशंकर जी आपको कैसा लगा प्रोग्राम आज का? सर बहुत बढ़िया लगा, और आज मुझे खुशी भी हो रहा है कि आशीष जी जिस तरह से मैंने शुरुआत करी थी उसी तरह आशीष जी ने भी शुरुआत करी है, और आगे लोगों को इससे सीख भी मिलेगी। हमारे साथ यंग डोनर है सुशांत, कैसा है सुशांत आज उनको प्रोग्राम देखकर? अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात लगी कि ये शिक्षा का एक दूसरा माध्यम है, एक वो माध्यम है जिसको हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, जिसकी कल्पना नहीं की थी। और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि हम सिर्फ पेंसिल नहीं बांट रहे हैं, बच्चों के प्रति सद्भावना और प्यार भी बांट रहे हैं, और साथ साथ हम उनका भी भला कर रहे हैं जो हमारे साथ यंग, जो हमारे जैसे यंग साथी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो कि कुछ करना चाहते हैं और कुछ इसके इस फील्ड के थ्रू कुछ बनना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त, ये हमारे थे सुशांत जी, मैथ के ग्रेट टीचर, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्होंने अच्छा मैसेज दिया है। हमारे साथ हैं साइनी जी, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम, जो आप तो हमेशा आते रहते हैं? सर बहुत अच्छा लगा, हम तो चाहते हैं कि लोग इससे जुड़ें, और जुड़ करके गरीब बच्चों को जो है पेंसिल दे करके बच्चों को जो भविष्य के लिए कुछ सोचे और आगे बढ़े। बहुत ज़बरदस्त, हमारे सामने बाल गोविंद गुप्ता जी, आज सबसे पहले गोपाल नगर में आपने शुरुआत करी थी, आज एक कारवां है इनका, कैसा लग रहा आपको? विकास की जो लहर है वो राजनीति से नहीं आएगी, किसी तरह की सोच और विचार से आएगी। जो हम लोग ये कर रहे हैं निदान फाउंडेशन के साथ में जुड़ करके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ग्रुप बनेगा उतने ही ज़्यादा लोगों को हम दान कर पाएंगे बच्चों को, और उन बच्चों का फ्यूचर आगे ब्राइट हो जाएगा। मैडम कैसा लगा आपको? अच्छा है, बच्चों भी बहुत अच्छा है, और मैं अभी क्या कहूँ, मैं ज्वाइन भी नहीं हुई है, आगे देखेंगे कैसा क्या है। चलिए भैया, हम एक बात कहना चाहेंगे उन यंग वन से, हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट मत सोचिए, हाथ जोड़ के नहीं, हम कह रहे हैं एक बार आप आइए, आप प्लीज़ कम टू द मानसर क्लासेस, प्लीज़ कम टू हिम डायरेक्टली, मीट हिम एट एनी टाइम एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट आफ्टर डैट, कि आपको क्या लेना है, और आपका जो आप व्यवसाय कर रहे हैं आपका उससे मोह भंग होगा, और एक बार आइए कि ये एक जरिया है आपको आगे बढ़ने का, सिर्फ उसी तरीके से पैसे कमाने का नहीं, एक दूसरी तरीके से आपको अपनी सारी जिंदगी खुशियां और सारी जो मन जो आपने कर रखी है, जो जितने भी आपने उम्मीदें पाल रखी वो सारी उम्मीद पूरी करने का एक बहुत अच्छा माध्यम और संकल्प। बहुत अच्छा मैसेज रहा हमारे सामने। नेक्स्ट डोनर गुप्ता फैमिली की रीना जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, आज मेरी उम्र एज जो है वो 36 है, और मैंने सोचा था कि लाइफ में कुछ नहीं, सिर्फ बच्चे हैं और उनको आगे बढ़ना है, लेकिन आज हमें एक मोटिवेशन मिला कि हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, और कुछ बढ़िया अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा मैसेज राजा जी का। और हमारे सामने है राम किशोर गुप्ता जी, एक ऐसे डोनर, अगर आप सोचना चाहेंगे तो आप सोचिए कि आज इनकी फैमिली की तीन पीढ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी बेटी हैं, आपके बेटे हैं, आपके ग्रैंड डॉटर भी हैं। गुप्ता जी ने पहल करी है समाज के लिए, सर कैसा लग रहा आज आपको आपके बच्चों का ये दान जैसे काम देखते हुए? कार्यक्रम आप चला रहे हैं, हमारे सब हमारे पूरे परिवार के और समस्त परिवार की तरफ से हमारे हार्दिक शुभकामनाएं, मैं ही सोचता हूँ सारा देश सोचे। बहुत अच्छा मैसेज, हमारे यंग डोनर्स बच्चे आ जाए हुए हैं। राधा तुम्हें कैसा लगा आज यहाँ पर ये? बहुत अच्छा लगा, और ये भी है कि भविष्य बच्चों का बनेगा, गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं तो टेंथ और काफ़ी देंगे, इससे बच्चों का पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा लगा, 1000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते, दान करने अगर हमारे पास है तो गरीब बच्चों को बिल्कुल चलेंगे। वेरी नाइस मैसेज राधा का। और हमारे यंग NCC कैंडिडेट्स हैं, सविता कैसा लगा तुमको आज? बहुत अच्छा लगा, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर छोटे बच्चों को, अगर हमारे पास पैसे हैं, हमारे अलावा कोई अन्य लोग भी हैं उनके पास पैसे हैं, अगर हम 1000 रुपये उन्हें दान कर देते हैं तो काफ़ी बच्चों का उज्जवल भविष्य बनेगा,
हमारा भी उज्जवल भविष्य और जो हम लोग खुश रह रहे हैं शायद इससे ज़्यादा खुश रहे हैं, और जो गरीब बच्चे हैं उनको ऐसे पैसे देंगे तो उनका भी और उज्जवल भविष्य बनेगा, हमारा देश आगे और तरक्की करेगा। बहुत अच्छा मैसेज। कैसा लगा मानसी तुमको आज यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आज जब बच्चों को मैंने कॉपी पेंसिल दी उनको चेहरे को देख के इतनी अच्छा लगा, इतने खुश थे बच्चे, इतने मतलब उनको देख के उनके अंदर इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी की मतलब बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। और हमारे सामने यंग डोनर कशिश जो भी सिल्वर बनी, कैसा से कशिश तुमको ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम ऐसा है कि मतलब कोई भी इंसान मंदिरों में जाता है, हर जगह जाता है, जाके डोनेट करता है, उसको ये नहीं पता ये पैसा जाके मंदिरों में ही लग रहा है, वही साधु लोग खा रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को लाके यहाँ पे सामने हम लोग दान करते हैं, सामने दुआ उनकी मिलती है, सब कुछ सामने होता है, तो यहाँ एक विश्वास बना हुआ है, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पूरा विश्वास भी बन रहा है और अपने हाथों से आप सारे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, आज हिंदुस्तान की जो पहल आज हर जगह गली गली मोहल्ले में जा चुकी है, चिंगारी आग बन चुकी है, और हम लोग मिलकर इस देश दुनिया को बदलेंगे। जय निदान, जय निदान, डोंट वरी।